देखते रहिए UBN0@गुना से संतोष मीना की खबर आ रही है। धनगर पाल बघेल समाज ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। भारतीय धनगर पाल महासंघ मध्य प्रदेश के बैनर तले रैली निकालकर गुरुवार को धनगर उपजाति पाल बघेल आदि समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र देने की मांग की है, जिससे उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में मुख्य जाति धनगर उपजाति गड़रिया पाल बघेल आदि समाज परंपरागत से भेड़ बकरियों को पालने वाला समाज रहा है। देखते रहिए UBN0@, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेना चाहता हूँ आज जो जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ, वो भी बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है सीताराम पाल और आज जो मैं एक ज्ञापन की रैली के माध्यम से ज्ञापन लेके आया हूँ, वो इस प्रोग्राम का मैं नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो चला रहा हूँ मैं धनगर पाल महासंघ, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और आज का जो हमारा ज्ञापन प्रोग्राम था वो ये था कि 4/10/2018 को मध्य प्रदेश की पिछली सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था कि वनवासी कौम को आज घुमक्कड़ मान करके इस वनवासी कौम को पाल बघेल धनगर इनको हम शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण देंगे आदिवासी वर्ग जैसा, लेकिन वो कह के चले गए, उन्होंने कोई अमल में नहीं लाए, लेकिन वो कृषि से बाहर हो गए। मौजूदा कृषि पे कांग्रेस सरकार माननीय कमलनाथ जी बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, ये वनवासी कौम है, इसके पास नौकरी शिक्षा व्यापार राजनीति कुछ नहीं है, इसका जो मुख्य धंधा था परंपरागत से भेड़ बकरिया वो समाप्त हो गया। इसको यदि इस समाज का वास्तव में विकास चाहते हो तो आरक्षण के बगैर समाज का विकास संभव नहीं है। मोरी उनसे अपील है कि आप जो है धनगर आरक्षण लागू करो, आज घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र पूरे मध्य प्रदेश में जारी करो। ये जो बनाए गए कहीं बनाए जाते कौन से छल से बनाए जाते, हमको उसके मापदंड भी चाहिए कि क्या क्या अधिकार दिए गए हैं हमको ये भी चाहिए ना। तो ये मेरी आप लोगों से और माननीय सरकार से मेरी अपील है, ये ज्ञापन जो दिया है कलेक्टर जी के माध्यम से जरूर वहाँ पहुँचेगा, लेकिन अभी हम 8 जिले में ज्ञापन दे चुके हैं। मुझे लगता है सरकार भी मेरे साथ अनदेखी कर रही और प्रशासन भी ये मिली भगत कर रही, मेरे पास 8 जिले का कोई भी अभी जवाब नहीं आया है। तो इसका मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ सरकार को कि जरा होश में आए और अनदेखी मत करें समाज के साथ में।